इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ एनकाउंटर में हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह के 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन तीनों को सहित कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि 4 अपराधी दिल्ली में रंगदारी ना देने पर एक व्यापारी की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं और नजफगढ़ इलाके के जाफरपुर कला थाना क्षेत्र में आने वाले हैं। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए 4 बदमाश नंदू गैंग के शार्प शूटर हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू गैंग के 4 शार्प शूटर को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम एनकाउंटर के स्पॉट पर हैं और यहाँ पर आप देखें तो ये सर्कल बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पर गोलियों के खाली खोखे गिरे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि कपिल सांगवान और नंदू गैंग के 4 शार्प शूटर दिल्ली में एक व्यापारी की हत्या को अंजाम देने की साजिश के इरादे से यहां पर आने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नजफगढ़ के उजवा गांव से थोड़ा सा आगे खेतों के पास ट्रैप लगाया और जैसे ही नंदू गैंग के 4 शार्प शूटर इधर से आ रहे थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों को देखा तो उन पर उस गैंग के 4 शार्प शूटर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद काउंटर फायरिंग की गई और इनमें से 3 शार्प शूटर को गोली लगी है, जिसके बाद इन तीनों अपराधियों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने इन 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इन्होंने दिल्ली के एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद रंगदारी ना मिलने के बाद उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहे थे और उसी इरादे से ये लोग यहाँ पर आए थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।